So, we are going to start with our first session. Introducing our first eminent speaker, a humble humanologist from an Ayurveda practicing family, respected Vaidya Tapankumar sir, the fourth generation of over a century old tradition of Vaidyas. He humbly holds a capacity of 25 plus years of experience in the practice since 1987 till date. He completed his graduation from Gujarat Ayurveda University, Jamnagar and md from ipgt and ra his areas of expertise lies in ayurvedic medicines and surgery pharmaceutical research and development treatment of gastrointestinal disorders oncological disorders cardiological disorders yoga therapy as well as spiritual and mantra therapy he has delivered various international lectures on management of diabetes cancer care cardiac alignments and stress management using ayurvedic medicines and yoga philosophy including hypnosis he has received best practitioner award for outstanding ayurvedic practice sir holds various posts at various trusts professional houses charitable organization founder member trustee director managing director advisory board member etc now i would like to request sir to please come forward and start this session अगस्त अगस्त सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरी सहेली संहिता आप सब लोगों को हाय करती है हाय थैंक यू आज बात करनी है विकार नाम अकौशल्य और ये मैं समझता हूँ आप सब लोग जो अभी एकदम टीन्स में हैं स्वीट सिक्सटींस में हैं उन लोगों के लिए ये टॉपिक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही काम का है आप जब ज़्यादा पढ़ोगे अच्छा पढ़ोगे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ोगे तो उस वक़्त आपको पढ़ाया जाएगा कि पढ़ो खूब पढ़ो खूब वहाँ पढ़ाई करो संहिता को अध्याय टू अध्याय श्लोक टू श्लोक वाक्यशह अर्थशह वाक्यावयश वो बहुत सारी चीजें आएगी वो सब आपको करना है क्यों क्योंकि आप इस फील्ड में आए हैं आए नहीं लाए गए हैं हमारी तो पूरी कोशिश थी कि और कहीं पर मिल जाए तो जाऊंगा एडमिशन इधर नहीं आऊंगा फिर भी ये फील्ड हमको खींच के ले आया इतना स्पेशल है हम हमको डॉक्टर होने के लिए किसी एम बी बी एस के जैसी मेहनत नहीं करनी पड़ती आराम से ट्वेल्थ में मजे करते करते डॉक्टर हो जाते हैं है कि नहीं ट्वेल्थ में क्या किया था वो तो मुझे मेरा पता है इसलिए आपको बता रहा हूं बड़े मजे किए और फिर डॉक्टर बनेंगे लेकिन उसके लिए जो यूनिवर्सिटी बनी है कॉलेज बना है प्रिंसिपल है प्रोफेसर हैं बहुत सारे लोग आपको पढ़ाते होंगे बड़ी मेहनत करते हैं बड़ा काम करते बड़ी शिद्दत से आप लोगों को पढ़ाते हैं और आप जरूर पढ़िएगा अच्छा पढ़िएगा उनकी निगाहों में उनके एसेसमेंट में सही उतरना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी भी है लेकिन लेकिन ये पहली बार एक यमला पगला दीवाना आप सब लोगों के सामने उपस्थित हुआ है जो आज आप सब लोगों के साथ ये बताना चाहता है कि पढ़ने से कुछ नहीं होता जिन लोग हाँ और करो यार मुझे दिखने चाहिए आई आई वॉन्ट टू कन्वे समथिंग विद दिस वंडरफुल ऑडियंस वो दिखे ही नहीं तो फिर मैं क्या हवा में अंधेरे में बातें करता रहा ये थोड़ा ही चलेगा हाँ तो अब मैं देख रहा हूं कितने वैद्य बैठे हैं। आवाज ऊपर करो और हाँ हाँ वो तो जो निकलता ही निकलेगा यार आप फिल्म का शूटिंग थोड़ी कर रहे हैं <laughs> मेरे कहने का बात यह है कि आज पहली बार मैं आप सब लोगों के सामने उपस्थित होके नहीं पढ़ने की बात करने आया हूं कभी सोचा भी नहीं होगा सपने में भी नहीं देखा होगा किसी ने बोला शायद ना हो आपके पास संहिता होनी चाहिए आपके पास सभी बुक्स और वो सब होना चाहिए लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम मैं आप सब लोगों के साथ ये बात करने आया हूं जो एक कबीर जी ने बताया है कबीर जी नाम तो सुना होगा हा पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भयान कोई डाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो पढ़ने कितना है पढ़ना कितना है ढाई आखर प्रेम इतना पढ़ लो सब आ जाता है और ये जो उम्र है ना आप लोगों की ये उम्र इसी उम्र इसी की उम्र है वो डेंचर पहन के थोड़े ही प्रेम करते होके यही एक टाइम है सच बताऊं, किसी से कहना मत हाँ, आप और मेरे बीच में संहिता और कोई नहीं बस खूब मजा आएगा मिल बैठेंगे तीन यार आप में और का तो आपको एक संहिता ऐसी होनी चाहिए आपके पास जिसको आपको पढ़ना नहीं है हाय ऐसा तो कोई बोलता ही नहीं सर हमको पढ़ते पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ वही बोलते हैं ये पहली बार ये पागल आदमी ऐसा आया सिर्फ रा जो आपको कहता है कि आपके पास एक संहिता अपनी खुद की प्राइवेट वाली होनी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ प्रेम करने के लिए हो और ये कबीर जी कहते हैं इसलिए नहीं मैं कहता हूं खुद संहिताकार कहता है मेरी सहेली संहिता बोलती है आप जो विद्वान होंगे उनको पता होगा चरक संहिता के अंतिम अध्याय में संहिताकार कहते हैं ये शु द्वादश साहस्त्री हृदय तिष्ठ संहिता में दिल में रखना है संहिता बोलती है कि मुझे दिल में रखो दिमाग में नहीं ये तो गार्बेज बॉक्स है हम्म हार्ड डिस्क है ये तो उससे कुछ नहीं होता मुझे तो डेस्कटॉप पर रखो डेस्कटॉप पर रखना है लेकिन हार्ड डिस्क में लोड तो करनी पड़ेगी उसके लिए वो पूर्वार्ध दूतार्ध वो सब उसकी परीक्षाएं वो सब करते रहो नो no प्रॉब्लम लेकिन ये संहिता आपके हृदय में रहनी चाहिए अगर आप इसको हृदय में रखेंगे तो जब भी आप पेशेंट को छुएंगे कहीं भी स्पर्श करेंगे तुरंत आप संहिता के अंदर या पेशेंट के अंदर चले जाएंगे आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे आतुरस्य से अंतरात्मा नम प्रविश्य योना विशति रोगविद अंतरात्मा में प्रविष्ट करना है ये थोड़ा फिलोसॉफिकल लगता है फिलोसॉफिकल नहीं ये क्लिनिकल है कार ने जो भी लिखा है उसमें एक भी शब्द फिलोसॉफी का नहीं है आपको पढ़ाया वही जाएगा कि ये शब्द दार्शन है दार्शनिक है यहां सांख्य है यहां वैशेषिक है यहां न्याय ओ बा जान खा जाएंगे लोग लेकिन मैं आपसे कहता हूं यहां कोई दर्शन नहीं है सिर्फ प्रैक्टिस है और दर्शन वाले करते कुछ नहीं वो क्या बोलते हैं कौशी जोड़ा वो मंजीरे मंजीरे बजाने वाले होते हैं हम मंजिरे वाले नहीं हैं हमको डिजीज की बैंड बजानी होती है मजीरे नहीं बजाने होते धातु साम में करना होता है क्यों धातु साम्यम क्रिया चोकता तंत्र प्रयोजनम धातु साम्य इतना ही करना है हम उतना ही कर सकते हैं कितनी भी उठा पटक कर लो समदोष समाग्नि सम मलक क्रिया इतना ही हम कर सकते हैं बाकी सब कहने सुनने की बातें हैं लेकिन क्या करें कहने सुनने की बातें करनी पड़ती हैं। क्यों क्योंकि सिलेबस है क्योंकि सीजियाम चाहती है क्योंकि सीजियाम हमको डिग्री देने वाली है या तो हमें गरज है इसलिए बाकी का सब पढ़ना है लेकिन जिनको प्यार करना आ गया प्यार करना आता है या जो प्यार करते हैं वो फिर किसी से डरते नहीं प्यार करने वाले कभी डरते नहीं तो आप सब लोग मैं आज ये प्रस्तावना के साथ मेरे टॉपिक की शुरुआत करता हूँ आपको लगेगा अरे बाप रे प्रस्तावना में इतना लंबा चलाया टॉपिक इतना आएगा कहना कुछ खास नहीं है मेरे कि आपको संहिता एक अलग से अपने पास रखनी है उसको दिन में तीन बार passionately hug करना है रात को सोते वक्त तो उसके साथ रख के सोना है और जैसे आप अपने बॉयफ्रेंड को या अपनी गर्लफ्रेंड को हक करते हैं वही इंटेंसिटी और वही पैशन से इसको हक करो वो अपनी हो जाएगी वो लड़की या लड़का एक hug में जन्नत दिखाता है तो ये तो बहुत बड़ी चीज है साहब वो जन्नत दिखाएगी नहीं जन्नत खड़ा कर देगी आप सब लोगों के लिए इसके लिए आपको अलग से मरने की जरूरत नहीं ये वाली चीज है अब मुश्किल क्या है कि इस को समझाया जाता है संहिता को या चरक को समझाया जाता है अध्याय वाइज चैप्टर वाइज फिर उसमें से निदान पढ़ाया जाता है चिकित्साएं पढ़ाई जाती है और वो धीरे धीरे इतना बोझिल हो जाता है ये मेरा खुद का अनुभव है दूसरों की पता नहीं मेरा तो जितना ज्यादा पढ़ा उतना मैं उसके बारे में सिंसियर हो गया फिर ये सा विद्या या विमुक्त ये। विद्या उसी को बोलते हैं जो आपको रिलैक्स करे आपको लूज एकदम कंफर्ट फील करे ये विद्या होती है। तो क्या ये विद्या नहीं अगर विद्या हो ना होती तो ढाई हजार साल थोड़ी चलती फिर मैं सोचूं इतना पढ़ने से मैं बोझिल क्यों हो रहा हूं बोर्डम क्यों लग रहा है मैं ज्यादा ज्यादा सीरियस उल्लू जैसा हो गया मेरे देख के लोग मेरे से डरे ऐसा हो गया और उस जमाना था जब मेरे को ऐसी सब बोझिल चीजें पूछने की या तो बोलने का मौका देते थे कैंसर पर बोलो हार्ट पर बोलो नाड़ी पर बोलो किसी ने कभी ये पूछा ही नहीं किसी ने कभी मुझे ये बताया ही नहीं कि आप विद्या पर बोलो मुक्ति पर बोलो रिलैक्स माइंड पर बोलो स्टेटस ऑफ थॉटलेसनेस पर बोलो ऐसा कभी किसी ने बोला नहीं क्योंकि मैं भी ऐसा ही था हार्ट के पेशेंट देखा करता था उसकी ट्रीटमेंट करता रहता था मायोकार्डियल इंफेक्शन को थ्रोम्बलाइज करता था क्या कुछ नहीं पढ़ना पड़ता था दुनिया भर की चीजें एकदम टिप द टंग और एकदम रेडी रखना पड़ता था फिर कैंसर में काम किया उसमें भी बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती थी काम करना पड़ता था लेकिन फिर धीरे 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 करते हुए पक गया मैं जैसे फल पकता है तो ये सब झंझटों से अलग हो जाता है उर्वरूक् व वंदना मुक्त तो मैं छूट गया पक गया कब जब मुझे ये पता चला जब मैंने ये सोचा या तो संहिताकार ने मेरे दिमाग में ये उतारा संहिता ने मेरे को कहा कि मैंने कब कहा तू मेरे को पढ़ एक रेफरेंस मेरे को बता संहिता में कहीं लिखा हो कि मेरे को पढ़ो न सुश्रुत महाराज बोलते हैं कि मुझे पढ़ो तो मैं पागल सा हो गया कि भाई ये इसने नहीं बोला कभी मुझे पढ़ो मैं क्यों इतना पढ़ रहा हूं तो फिर करना क्या है इसका इतने बा, बारह हजार श्लोक हैं बोलते हैं मैंने तो गिने नहीं कभी उन्होंने लिखा है लास्ट में ये शु शाहस्त्री बारह हजार श्लोक वाली ये संहिता है अब आप ही बताओ बारह हजार लोग कब पढ़ोगे कब याद करोगे कब उसका इंटरप्रिटेशन सोचोगे कब उसकी टीका पढ़ोगे कब कब बूढ़े हो जाओगे इसलिए संहिता ने बोला है कि एक शॉर्टकट है स्मार्ट कट शॉर्टकट भी नहीं आजकल जमाना किसका है हार्ड वर्क का नहीं है है कि नहीं? स्मार्ट वर्क करना है तो स्मार्ट वर्क करना है तो क्या करना है जो आप सब लोग इस उम्र में हाँ वही इस उम्र में जो करते हो या जो करना आता है या जो करना बाता है रादर वही करना है क्या अब आप बताओ आपको क्या आता भाता है वही ये द्वादश साहस्त्री हृदय संहिता चरक संहिता कर साफ बोलते हैं कि मुझे पढ़ो मत और मुझे पढ़ोगे तो मुझे प्यार कब करोगे बूढ़े हो क्या मेरे जैसे नहीं रे बाबा मुझे कितनी मुश्किल पड़ती है इसके साथ इश्क लड़ाने में, में आप लोग बहुत अच्छी तरह लड़ा सकते हो आप लोग बहुत अच्छी तरह इसके साथ पेश आ सकते हो यही उम्र है पांच दस साल बाद में तो फिर दाल चावल घासलेट शुरू हो जाएगा इसलिए मैं कहता हूं जब बीपीएल की स्टेटस में हो उस वक्त इश्क फरमा लो बड़े काम की चीज है अगर इस बोगस होती अगर ये बकवास होती अगर उसमें वो क्या बोलते हैं कस कस वाली चीज न होती तो कब की उखाड़ के फेंक देते हम है कि नहीं? जो चीज कस वाली नहीं रहती या नहीं रहता हम ब्रेकअप कर लेते हैं लेकिन ये ढाई हजार साल से किसी ने इससे ब्रेकअप नहीं किया बड़े ध्यान से सुनो दिल में उतारो कि ढाई हजार साल से कोई आदमी ने इसको गलत जूठी गंदी बेकार नहीं कहा उसने जो बात पित्त कफ का वो पता नहीं क्या बोलोगे उसको जो भी डिंडक चलाया ढाई हजार साल से अभी तक कोई उसको समझ नहीं पाया लेकिन फिर भी फिर भी आज तक पता नहीं कितनी पीढ़ियां वैद्यों की खा पी के खप चुकी सही बात है कि नहीं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बनी ये बात कफ के चक्कर में बडी बड़ी, बड़ी कॉलेजेस बने बड़े बड़े इंस्टिट्यूट्स बने इत्र बने क्या कुछ नहीं बना और सभी ने खाया पिया और मस्त रहे आप सब लोगों को पता नहीं क्यों कि आप नए हैं मैं चौथी पीढ़ी हूं कम से कम 300 साल से यह चरक संहिता 20-25 लोगों को 20-25 वैद्यों को पूरी जिंदगी मौज से खिला पिला के देखो मेरी हालत ऐसा बनाती ही संहिता हमारे ये ऑर्गेनाइजर हैं हमारे विलास जी के बेटे कल उनको देखा होगा आज शाम को भी देखेंगे अभी आशु कहां गए बाहर है हाँ वो आए तो देखना वो भी चौथी पीढ़ी है 400 साल से १०० साल १०० डेढ़ सौ साल से वो भी खा पी रहे हैं उनको भी देखना अगर खा पी के मस्त रहना है खुद को और आने वाली दो चार पुस्तों को पीढ़ियों को अगर खाला खिला पिला के मस्त रखना है तो ये बात पित्त कफ ही है अगर एक बाप एम बी बी एस क्रोलन, क्रोलन से एंट्रिक को ठीक करता है ठीक कर, कर के जो पैसा कमाता है उसमें से उसके बेटे को एमबीबीएस बनाता है तो उसका बेटा क्लोर फेनिकोल को हाथ तक नहीं लगाता मैं नहीं होता तो, तो, तो था ऑफिसाई डिप्रेशन हो जाता है तो वो यूज नहीं करता जिसके बल पर उसके पिता ने उसको एमबीबीएस बनाया उसको वो नहीं छूता वो क्या तीन पीढ़ी तक खिलाएगा जबकि आंवला अगर खट्टा है तो वो मुझे भी खट्टा लगा मेरे पापा के पापा के पापा के पापा के पापा के पापा के पापा, के, पापा, के, पापा, के, पापा को भी खट्टा लगा था और मेरे बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे, के, बेटे, के, बेटे, के, बेटे को भी खाट्टा लगेगा ये आयुर्वेद की ये संहिता का ऑब्जर्वेशन इतना मजेदार है अगर वायु लुक्खा है रुक्ष है तो वो था है और रहेगा युर्वेदो शाश्वत निर्दिश्य अनादित्वा स्वभाव लक्षण भाव स्वभाव ऐसा आपको लगना चाहिए कि मेरे को आता है बाकी ये सब कोई मायना नहीं रखता अगर आप हग करते हैं तो ये सब कोई मायना नहीं रखता लेकिन आपको लगना चाहिए आयोजकों को भी लगना चाहिए कि हाँ ऐसे ही किसी अरे गेरे को उठा के नहीं ले इसलिए थोड़े थोड़े श्लोक बोलता हूं जब पागल था तब रट्टा मारा था अब भी पागल तो हूं लेकिन वो सब भूल गया उसका कोई मीनिंग नहीं रहा पता नहीं सच बताऊ ये हेल्थ है ना वो किसमें से आती है हील में से हेल्थ आता है और हील क्या है वो रुग्णता को ठीक करना वो हील है वो हील जो करता है वो हेल्थ है ठीक बोला मैं वाकई अगर जरूरत ना हो तो ये बढ़के बंद कर दो यार आग बहुत जल रही मुझे दिख नहीं रहे आप सब लोग अब आपको जितना अच्छा दिखाना था तो देख लिया आपका रिकॉर्ड हो गया अब बात तो करने दो इन लोगों से तो मेरे कहने का मतलब यह है कहां थे हील ये हील यस ये में से हेल्थ बनता है और आयुर्वेद उसको क्या बोलते हैं स्वास्थ्य स्वास्थ्य किसमें से आता है स्वस्थ में से और स्वस्थ का मतलब क्या है स्व में स्थित टू बी विदिन वन सेल्फ अपने में होना उसको स्वस्थ बोलते हैं उस पर से स्वास्थ्य बनता है अब बताओ इसमें डिजीज की तो कोई बात ही नहीं है और हम हेल्थ को डिजीज हेल्थ को स्वास्थ्य बोलते रहते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय अरे भाई यहां तो समदोष समाग्नि समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन ये सब बातें हैं यहां रोग को ठीक करने संहिता इसलिए नहीं लिखी गई है कि रोगों को ठीक करने के लिए रोग तो वो परेशान करने वाले होते हैं न्यूशन्स वैल्यू होती आरोग्य मूलमोत्तम रोगा तस्यापरतारम विघ्नपूता ऐसा कुछ है ना तो ये तो हर्डम है कायम नहीं होने रहने वाले ये हर्डल है तो वो पार निकाल दो काम तो बहुत सारे और करने संहिताकार बोलता है धर्म अर्थ काम मोक्षाणा मूल महा ऐसा कुछ है। रोगा तस्या तस्याप तो हमें पेशेंट को क्या करना है डिजीज मुक्त नहीं करना है प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन करना है डिजीज कौन ठीक करता है मालूम नहीं कर्म जाहा कहते हैं आपके कोई कर्म होंगे उसके कारण आपको ये रोग हुआ है आप कर्म फल को भुगत रहे हैं इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता आपने खाया तो वो रस रखमा हुए मज्जा शुक्र बनेगा ही बनेगा वाद का। यहां तक आपका अधिकार है यहां गया फिर आपके हाथ में कुछ नहीं आपका ये कर्म खाने का कर्म हुआ तो शुक्र तक वो भुगतना पड़ेगा फिर ट्रीटमेंट क्यों करनी नहीं करनी ट्रीटमेंट की भी नहीं जाती की भी नहीं सकते अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं तो कर्म फल में डिस्काउंट देते हैं जो ठीक नहीं है वो व्याज के साथ वापस आएगा इसलिए कितना भी ट्रीटमेंट करो ट्रीटमेंट पर डिजीज पर काबू पा लो फिर वो दूसरा डिजीज पैदा हो जाता है आप वहीं के वहीं मैं जब पढ़ता था तब डायबिटीज बहुत बड़ा रोग था Small, वो इन्फेक्शस डिजीज बहुत बड़ा रोग था फिर धीरे 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 आप तक आते आते वो इंफेक्शन पर तो वो काबू कर लिया तो क्या करेंगे तो फिर नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज आ गए वो भी किसी भी तरह निपटा लिया तो अब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आ गए मींस आप कितना भी काम करते रहो आगे कोई ना कोई एक गधे के आगे गाजर लटकता ही रहता है और गधा दौड़ता ही रहता है हम उनमें से नहीं है हम वैद्य हैं वी आर स्मार्ट पीपल यू सी हम गणपति है समझे कि नहीं कार्तिके कैसे पूरी दुनिया के चक्कर लगाने के लिए दौड़ गए गणपति ने क्या किया मम्मी पप्पा का दैट वाज द स्मार्ट वर्क इज इज द फर्स्ट स्मार्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड आई मस्ट से गणपति गणपति की दो बीबियां हैं नाम पता है रिद्धि और सिद्धि उनके दो बेटे हैं लाभ शुभ अब ये किसको नीच चाहिए आप में से बताओ किसको रिद्धि सिद्धि और लाभ शुभ नहीं चाहिए दो दो का स्कोप है स्मार्ट वर्क करो समझे तो गणपति होंगे और हम सब लोग स्मार्ट वर्कर्स हैं उन लोगों को एमबीबीएस वालों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है रिसर्च करनी पड़ती है, पता नहीं कितने चूहे मारने पड़ते कितनी बिल्लियां मारते हैं तब जाके एक डिजीज का एक एंटीबायोटिक मिलता है वो भी दस साल से ज्यादा काम नहीं करता फिर दोबारा सब जेलना पड़ता है और हमारे यहां चवन प्राश ढाई हजार साल पहले जो लिखा वही अभी चल रहा है और ढाई हजार साल भी वही चलेगा है कि नहीं और ये फैक्ट्स हैं आपके साथ फैक्ट्स बता रहा हूं तो जो परमानेंट है उसको पकड़ के चले या फिर वो हर दस साल में वो आ, नहीं गलत है वो उसको पकड़ के चले ये है हमारी स्पेशलिटी और इन दैट सेंस आई वांट टू कन्वे टू दिस वंडरफुल यंग यूथ दैट अस बी स्मार्ट वर्कर्स स्मार्ट होना है और स्मार्ट हो गए तो आपके पास रिद्धि सिद्धि आएगी तो आपका लाभ होगा आपका शुभ होगा और ये सब कौन करेगी संहिता सम्यक हितम प्रतिपाद्यम संहिता जिसका सीधा अर्थ बोला भाला यही होता है कि जिसको उसके आश्रित का अच्छा करने से सिवा और कुछ आता ही नहीं वो संहिता है आपने कभी सुना हैरिसन संहिता डेविडसन संहिता वो टेक्स्ट बुक्स ऑफ मेडिसिन है दे कैन नॉट एफोर्ड टू बी ए संहिता वो तो चरक होता है जो अपनी संहिता बनाता है वो तो सुश्रुत होता है जो अपनी संहिता बनाता है वो वाकभ होता है जो संहिता बनाता है इसको टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन बोलोगे है बात करते हो ये संहिता है इसको सहेली बनाना है कैसे बनाते हैं सहेली अब वो मैं थोड़े ही आपको बताऊं। उसके तो कोचिंग क्लास खोलो इतने सॉलिड हो <laughs> लेकिन सहलाने से सहेली बनती है परिभाषा इटम्योलॉजी सहलाने से सहेली बनती है बनती है कि नहीं हाँ या ना बोलो ना आ, तो सहलाओ ना कहा पैसा बैठा एक ही बात तो वन टाइम खर्चा है रिचार्ज भी, भी नहीं कराना पड़ता कॉफी भी नहीं <laughs> बल्ले बल्ले करा देती मैंने दस साल से ये किया है सहलाना साथ में रखना अपनी बना के रखा रखना तो अगस्त कौन में मुझे अहमदाबाद से गोवा तक लोग बुलाते हैं और आप सब लोग पूरी भारत में से कहां से आते हैं ये संहिता का पावर है ये संहिता का कंट्रीब्यूशन है हम सब लोगों को इससे ये प्रेरणा लेना है कि हमें संहिता को अपनी बनाना है अब विकार नाम किसी डिजीज का नाम देके ज्वर को मैंने ठीक किया प्रमेह को मैंने ठीक किया रक्त पित्त को मैंने ठीक किया अगर आपने ये किया तो फिर जिधर से सोना चांदी जवेरा लेके जा सकते थे वहीं से आपने कंकड़ पत्थर भी नहीं ऐसा मैं तो समझता हूं विकार नाम अकुशल हो जाना है इन्फेक्शन डायबिटीज वो ए बी होती हैं पीसीओडी एचडी एच डी क्या है ऐसा कुछ होता ऐसी बहुत सारी एबी चलती जितनी एबी आपको बोलने आए उतने आपको ओ, 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 इसको तो बहुत एबी आती लोग आपसे सोशल डिस्टेंसिंग रखते मैं संहिता को प्यार करता हूं सब लोग मेरे पास आते हैं सेल्फी लेते हैं संहिता के साथ आपको क्या चाहिए लोग आपके पास आए वो या अपना वाहन दस फुट दूर रखो क्योंकि ये तो एबीसीडी बोलने वाले हैं नहीं रे बाबा किसी भी विकार का नाम न लेने में मास्टर हो जाओ मेरी संहिता भी यही कहती है। विकार नाम अकुशल हो जाओ पता नहीं हम उल्टा ही करते हैं जो ये बोलता है उससे उल्टा ही करते हैं विकार नाम कुशल हो जाते हैं आई हैड अ पेशेंट ऑफ टकायासु सिंड्रोम मोया मोया ट्यूमर क्रूक ट्यूमर ये आई आल डी के पेशेंट्स में बहुत मुश्किल होता है वाता पिता कफा बैलेंसिंग इज वेरी डिफिकल्ट यू सी जितना ज्यादा विकार में कुशल हो जाते हैं विकार के नाम में कुशल हो जाते हैं विल्स डिजीज विलियम्स ट्यूमर विपल्स सर्जरी क्या विकार नाम कुशल नहीं होना है और अपन वही काम करते विकार नाम कुशल होते बड़े बड़े नाम देते हैं ये एबीसीडी नहीं बोलते तो फिर वो आयुर्वेद को बोलते तो क्या है तपान में मैंने ये देखा है बस व्यानावर तपान बोलो तो भी सब लोग डर जाएंगे वो दस फुट दूर रहेंगे कुछ भी कर लो अपत, अतत्व विनिवेश के पेशेंट्स आते तो फिर बहुत परेशानी होती है ऐसा बोलो विकार का नाम बड़ा बड़ा करके बोलो तो उसमें पता नहीं लोगों को बड़ा मजा आता है दूर रहते हमसे मुझे तो वो नहीं चाहिए मुझे तो आप सब लोगों की इंटीमेसी चाहिए मैं तो चाहूं कि आप सब लोग मेरे पास आए मेरे दिल में बसे जहां आपको मेरी सहेली मिले संहिता मिले सुकून मिले सम्यक हित हो ये मैं चाहता हूं और ये मेरा आज आप सबले से मैसेज है कि विकार नाम अकुशल हो जाओ तो फिर करेंगे क्या साहब खाना तो उसी पर चलता चलता है है नहीं मेरा चलता है ना बिना विकार नाम नाम दिए बगैर एक जमाना था वागलपन किया बड़े बड़े डिजीज पर बड़ा बड़ा काम किया लेकिन फिर इतना सारा काम हो गया ना कि फिर वो छूट गई एक बंदे को पांच करोड़ की लॉटरी लगी तो वो सत्तर साल का था तो उसके बेटों ने सोचा कि यार कहीं इनको बोला कि आपको पांच करोड़ की लॉटरी लग गई और डूब करके टपक गया तो, तो बहुत चिंता में पड़ गए कि यार इनको बताएं कैसे और बताए नहीं तो वो साइन ना करे साइन ना करे तो वो पैसे ना आए तो उनके एक फैमिली फ्रेंड थे उनको बोला कि आप उनके अच्छे दोस्त हैं आप ही कुछ उसके साथ ऐसी बात करिए कि वो तकलीफ में ना आए और अटक बैटक ना आए और फिर वो ठीक से समझ जाए वो भी बोले हाँ चलो मैं ट्राई करता हूं तो एक दिन आए बैठे चाय वाई पी अरे हाँ चाय ये भाई चाय लाओ चाय हाँ संहिता ने बोला है बातें थोड़ी बात करो फिर भवंती चात्र यहाँ चाय पीनी पड़ेगी मैं क्या करूं मैं तो वो जो सहेली बोलती है, उसको फॉलो करता हूं सब उतर गई लाओ भाई यहां तो चाय से ही चलाएंगे और क्या <laughs> <laughs> कहने का बात यह है कि वो दोस्त आया बैठे बैठे चाय पीते पीते बात किया यार मैं सोचता हूं तेरे को पांच हजार रुपया दे दूंगा वो बूढ़े ने बोला हाँ दे दे दोस्त हो तुम्हें मन करे तो ले लूंगा चल मैं सोचता हूं पचास हजार देता हूं चढ़ गई क्या चाय ही पी लाई थी तो बोले चल पांच लाख देता अब वो बूढ़े को लगा कि सही में ये सठिया गया है तो वो हंसने लगा तो फिर बोला पचास लाख दू तो फिर उसने एक झापड़ मारी उल्लू दे पट्टे इतनी बार गए हो झापड़ के बोला नहीं यार अच्छा, चल तेरे को एक करोड़ देता तो वो जिसकी पांच करोड़ की लगी थी उसको इतना हंसी आई उसने बोला अगर मेरे को तू करोड़ देता है ना तो उसमें से पचास लाख तुमको वापस करूंगा वो बंदे को उधर कहा कि मर गया ये, ये मेरे साथ हुआ है कैरियर शुरू की कैंसर में तो दस पंद्रह पेशेंट देखे सदगुरु के सानिध्य में ऑफ कोर्स सदगुरु के बगैर तो कुछ होता नहीं इधर से मैं मेरे सदगुरु को इंट्रोड्यूस करता हूँ आप सबको मैं दिल में रखता हूँ बोलता हूँ ना संहिता और सदगुरु मेरे पास में ही रहते हैं तो इनके पास बैठ के मैंने जब चार पांच पेशेंट देखे कैंसर के तो मैंने सोचा यार इंटरेस्टिंग है ये ब्रांच फिर ऐसे करते करते 500 पेशेंट देख लिए तो मेरे को लगा यार ये कैरियर अच्छी है इसमें अपना कैरियर अच्छा बन सकता है फिर 5000 पेशेंट देखे तब तो मेरे को लगा बस नेक्स्ट नोबेल तो मेरा ही होना है ए भाई चाय तो दस हजार पेशेंट हो गए फिर तो हवा में उड़ रहा मैं आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे कभी और ऐसे ऐसे करते करते पच्चीस हजार हो गए फिर सोचा नहीं आप इसमें कुछ गड़बड़ है ऐसा नहीं हो सकता जो मैं सोच रहा हूं ये नहीं कुछ और है ये सोचते सोचते तीस हजार हो गए पैंतीस हजार हो गए अभी कल आप सब लोगों को मिलने के लिए ओपीडी में से उठा तब जो लास्ट पेशेंट देखा था वो अड़तीस हजार तीन सौ समथिंग का था अब ये आप खुश होते हैं लेकिन मेरी हालत सोचो वो पांच करोड़ वाली वाला हाला हो गया मैं चुप हो गया कोई पूछे कैंसर सॉरी मुझे कुछ नहीं आता पांच पांच सौ पेशेंट देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ मुझे कुछ आता है लेकिन जब वो पच्चीस हजार तक या पत्तीस हजार तक पहुंचता है फिर आप चुप हो जाते हैं फिर आप अलग तरीके से सोचते हैं और वो जो अलग तरीके का सोचना हुआ वो मुझे आप सब लोगों तक खींच के लाया आप सब लोगों से गुजारिश है आप लोग पढ़ते हैं तो पढ़ लीजिए बाकी बाद में प्रैक्टिस करें ना तो कभी किसी लॉजिक की प्रैक्टिस मत करिएगा कार्डियोलॉजी की मैंने पागलपन किया ऑन्कोलॉजी का मैंने पागलपन किया पंचकर्म का मैंने पागलपन किया ज्वर का मैंने पागलपन किया ऐसी ऐसी संप्राप्तियां बनाई जो पांच में सटीक बैठे और पचास में झूठी साबित हो अपना ही बनाया हुआ महल बिखर जाए फिर सोच के सोचा कि यार ये क्या गड़बड़ है और जितना ज्यादा काम करो उतना टेंशन उतना स्ट्रेस उतना परेशानी उतना एंगेजमेंट्स, उतना आंसर क्वेश्चन इंटरक्शन रिजल्ट वो रिसर्च वाले जान खा जाए आपका रिपोर्ट बताओ क्या रिसर्च किया कितने पेशेंट्स ठीक हुए कितने नहीं हुए कितना परसेंटेज एस डी टी पी पता नहीं पूरी दुनिया की झंझट और मेरे सदगुरु को देखू मस्ती से आना है पेशेंट देखना है हंसते हंसते पेशेंट देखना है हंसते हंसते घर जाना है और पूरी जान मेरी निकल जाए इसमें फिर एक बार अकेले में बैठे थे ओपीडी ओपीडी खत्म हो गई तो मैंने बोला कि ये मैं क्यों इतना स्ट्रेसफुल होता जा रहा हूं और आप देखते वो 1978 से ये प्रैक्टिस कर रही है टिल डेट कल तक लेकिन वो देखो एकदम मस्ती में और मैं उल्लू जब भी देखो उल्लू भी देख के डर जाए मेरे को तो तब उन्होंने मेरे को बताया कि छोड़ना ये विकार नाम अकुशल हो जाना वो कभी किसी पेशेंट का कोई निदान ही नहीं करती पेशेंट आता है उनसे बातें करती है उनकी नाड़ी देखती है प्रकृति सेट कर देंगे ना गुजराती में क्या प्रकृति सेट कर दे तो लो मैं आईपीजी टेन का एमडी एवन का और वो वो मेरे सामने यूं बोले कि हाँ वो प्रकृति सेट कर देंगे ना मैं बोला यार प्रकृति का तो पंद्रह पन्ने का पेज फॉर्म होता है उसकी साइन के लिए सांप के पीछे पीछे घूमना पड़ता है और ये तो इधर बैठ के बोलते प्रकृति कर देंगे ना तीन साल बाद मुझे पता चल गया ये प्रकृति स्थापनम हितम चिकित्सा का पर्याय है वो करती है अब बताओ उनको तो संहिता आती नहीं उन्होंने कभी संहिता पढ़ी नहीं उनको ये चिकित्सितम पथ्यम साधन औषम प्रश्नम प्रसूनम हितम वो उसमें से कुछ नहीं आता है लेकिन करती वो वही है बोलती भी वही है स्राव के पेशेंट में वो आमल की नींद चूर्ण शहद और शर्करा के शरबत के साथ सुबह मैं बोला ये या तो शहद रखो या शर्करा रखो शहद और शर्करा कितना मीठा हो जाएगा कैसे लेंगे लोग और मतलब क्या है अगर मधुर ही देना है अनुपान में तो शर्करा दो या शहद दो एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछ लिया कि माँ ये दोनों क्यों यूज करते हैं किसी एक को नहीं यूज कर सकते बोली तपन देखो मुझे नहीं पता मेरे गुरु जी ये लिखते थे तो मैं लिखती देखो कितना सरल भाव है और मैं मरा जा रहा था शर्करा और शायद शर्करा और मधु फिर भूल गया मैं बोला सदगुरु ने लिखा है सदगुरु के भी सदगुरु ने लिखा है तो फिर हम कौन होते हैं बीच में पढ़ने वाले चार पांच साल के बाद एक बार चिकित्सा तीस पड़ रहा था सरक संहिता उसी में आया कि शहद और शर्करा के साथ अमल की बीज को देना अमल का अमल की धत्री बीज बीजास्थी ऐसा करके चिकित्सा तीस में है और उसमें यह शर्करा और मधु दोनों को लिखा है अब ये ढाई हजार साल पुरानी बात है आज तक वही चल रही है और हम हैं कि पूछते हैं ऐसी सब बातें बनी तब जाके मैं पक गया मैं बोला ये विकार नाम अकुशल चिकित्सा नाम अकुशल ये हो जाओ तो बड़ा सुकून है अगर आपको सुकून की जिंदगी जीना हो तो डिजीज का डायग्नोसिस करना भूल जाओ चिकित्सा करना भी भूल जाओ अरे यार अभी पानी पिया ठीक है कोई बात नहीं थैंक यू लव यू तो कहने की बात यह है कि विकार नाम अकुशल हो जाना है आप कहेंगे यार विकार नाम अकुशल होना तो फिर करना क्या है क्लिनिक में कोई पेशेंट आया तो उसको क्या करना है वो तो तुरंत फाइल रखेगा हमारे यहां तो वैसे ही आते हैं वो फैट फाइल सिंड्रोम वाले पेशेंट पूरी दुनिया की हमको नहीं आता उतना तो उनको आता है उनको कहा परीक्षाएं देनी होती है आयुर्वेद की और वो गूगल महाराज को पढ़ पढ़ा के आते हैं तो कहने का मतलब ये है कि फिर हमें ऐसी कोई चीज करनी है जो कोई नहीं करता सब लोग करते क्या है निदान करते हैं सब लोग करते क्या है चिकित्सा करते हैं तो हमको क्या करना है न निदान करना है न चिकित्सक ने तो फिर करना क्या है भाई जो संहिता बोलती है वो करो संहिता क्या बोलती है रोग को ठीक करना चिकित्सा की व्याख्या में कहीं रोग का बात है तंत्र का प्रयोजन क्या है बताइए तब तक मैं चाहती था तंत्र प्रयोजनम धातु साम्य अब धातु साम्य कोई रोग है धातु साम्य कोई चिकित्सा है वो तो है उसको पाना है धातु साम्य करो धातु साम्य किसको बोलते हैं विकारो धातु वैषम्यम तो उसका उल्टा क्या हुआ धातु साम्य साम्यम प्रकृति रुच्य कितना सिंपल है वो धातु वैषम्य हो गया है वो दोरी घींच के धातु साम्य करना है हमें क्या करना है दोरी खींचना है दोरी किससे खींचना है धातु साम्य के कंपोनेंट्स कौन कौन हैं? समदोष समाग्नि समधातु मूल मलक्रिया ले दे के समदोष समाग्नि समधातु मूल मलक्रिया चार चीजें आपको करनी है ये चार चीज कर लो दोष कैसे करेंगे तीन ही तो है करते रहो ना पहले हफ्ते वायु की ट्रीटमेंट दो दूसरे हफ्ते आके कि साहब कोई फायदा नहीं हुआ कोई बात नहीं दूसरे हफ्ते पित्त की ट्रीटमेंट दो दो हफ्ते साहब क्या कर रहे हैं कोई ठीक नहीं हो रहा है अब ठीक हो जाएगा क्योंकि चौथा कोई दोष ही नहीं है तीन हफ्ते में समदोष हो जाएगा पेशेंट खुद भी तैयारी के साथ आता है कि आयुर्वेदिक की दवाई। में तो लंबा चलता है धीरे धीरे ठीक होता है तो फिर अपन क्यों ना ट्रैक करें? पहले हफ्ते में वायु की ट्रीटमेंट करें, दूसरे हफ्ते में पित्त की ट्रीटमेंट करें, तीसरे हफ्ते में वायु की कफ की ट्रीटमेंट करें चौथा तो है ही नहीं तीन हफ्ते में तो समदोष हो ही जाएगा धातुएं कितनी है वो भी ले दे के साथ है करो ना गलती सत्तु सत्तु हो तो सौ बार गलती करोगे फिर तो कहां जाओगे सीख ही जाओगे और आपके पास तो बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है करो ना गलती मैं नहीं मानता तीन साल से ज्यादा आपको लगेगी समदोष समाग्नि सम मल मलक्रिया करने में कभी कभी यूं होता है सिर्फ समदोष की ही जरूरत पड़ती धातु वातु तो ठीक होते हैं अग्नि वग्नि भी ठीक होता है तो तीन हफ्ते में पेशेंट ठीक हो जाता है पेशेंट ठीक होना मतलब जो आपके पास आया उसको मैं पेशेंट नहीं बोलता हूं मेरे यहाँ मेरे सदगुरु दर्दी नारायण बोलते हैं मैं जहाँ काम करता हूँ वो हॉस्पिटल का नाम भी दर्दी नारायण सेवा मंदिर है मंदिर है वहाँ देव आते हैं उसकी पूजा करते हैं तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा तुम ही देवता हो हमारे जमाने का गीत है सुना होगा तुम्हें मेरी पूजा तुम्हें देवता हो तुम्हें देवता हो। यही है हमारे यहां आए हुए को पेशेंट नहीं बोलना है जो बोलते हैं उसके पास से नासिक दुखी होके हमारे पास आता है तो हमको उतना तो समझना चाहिए कि कम से कम ये शब्द तो हम ना बोले आप दुखी नहीं है आप रोगी नहीं है आपको कोई डिजीज नहीं है आपको पता है उसको कितना सुकून मिलता है इतना बोलने से मुझे तो कुछ नहीं लगा वो थोड़ा वायु और पित्त हां हाँ सर मैं भी वही कह रहा हूं कि कुछ वायु और पित्त एसिडिटी और गैस का ही प्रॉब्लम है लो वो एसिडिटी और गैस को वायु और पित्त बोलते हैं अपन को लघु बोलते हैं ये पता नहीं कौन से को वायु पित्त कफ बोलती है तो इसके वायु पित्त कप उसके मेरे वायु पित्त कप मेरे पेशेंट के पित्त कप पेशेंट के उसको गैस एसिडिटी और मलगम में वायुपीत कब दिखते और उसको वो एंट्रप्रिटेट करता है साहब भूख नहीं लगती वो कभी नहीं कहता कि सर मेरे को हाइपरटेंशन है वो कभी नहीं कहता मेरे को डायबिटीज है वो कहता मेरे को भूख नहीं लगती मेरे को पखाना साफ नहीं आता मेरे को नींद नहीं आती मुझे अच्छा नहीं लगता है मेरा रूटीन डिस्टर्ब हो गया है इसी को तो धातु वैश्य में बोलता आप अभी बैठे हैं आराम से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और कहीं से मैं किसी पैथोलॉजिस्ट को थोड़े पैसे दे के आपके नाम से पंद्रह रिपोर्ट निकाल के दे दूं एमआरआई भी आपका निकाल के दे दूं तो क्या आप डिजीज हो जाएंगे झूठ बात है अपने पेशेंट को भी यही बोलना है वो बेचारा पेशेंट होता ही नहीं अपना तो नारायण होता है रोजी रोटी उसको हम क्यों डिजीज बोले इसलिए मैं बोलता हूं विकार नाम अकुशल हो जाओ विकार नाम अकुशल हो जाओ पेशं या तो आपके पास आने वाला आपका देव है आपका नारायण है उसका पूजन करना है त्रिफलाद्य चूर्ण वातहर औषध पित्त हर औषध करके स्वाहा स्वाहा ये करना है और ये करते हैं तो वो भी रिलैक्स्ड होता है हम भी रिलैक्स्ड होता है और ये रिलैक्सेशन करने के तगड़े पैसे मिलते हैं क्यों क्योंकि हम स्मार्ट वर्क करते हैं और स्मार्ट वर्क करने का मतलब ही ये है कि रिद्धि सिद्धि और लाभ शुभ आपके पास होता है जो हार्ड वर्क करने गए थे कार्तिकेय आपको पता है अभी तक भी अभी तक न नहीं हुई मुर्गन साउथ में है इतने गुस्सा में इतने गुस्सा में लड़की का मुंह तक नहीं देख और ये हमारे गणपति बापा को देखो देख के ही दिल शांत हो जाए हाय क्या कूलिंग कूल डूड है और मुर्गन को देखो डर लगे तो हमको कूल डूड होना है रिद्धि और सिद्धि हमारे पास रहे लाभ और शुभ हमारे पास रहे अगर आपको प्रॉस्परस होना है आपको प्रॉस्पर समृद्ध होना है तो आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा और स्मार्ट वर्क ये है समदोष समाग्निश्च समु मलक्रिया प्रसन्नात्मेंद्री वो तो करना नहीं है प्रसन्नात्म इंद्रिय को भी वो लोग साइकोलॉजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस रिलीज ऐसे ही सब बातें कर अरे भाई करना समागनी सम धातु क्रिया है वो हुआ कि नहीं वो चेक कैसे करोगे प्रसन्नात्म इंद्रिय पेशेंट बोले यार अच्छा है आपकी ट्रीटमेंट लागू पड़ गई है अच्छा लग रहा है भूख लग रही है नींद आ रही है पेशाब पेशाब ठीक होता है भूख लगती है पखाना साफ आता है और आई एम फीलिंग बेटर तो और क्या चाहिए ये मन। जितना वो खुश होके आपको बताता है कि मुझे आपकी दवाई से अच्छा है उतना आप समझो कि उसका समदोष समाग्नि समधातु मलक्रिया हो गया उतना आप समझो कि उसका धातु साम्य हो गया अगर पेशन का समदोष हो जाए समाग्नि हो जाए समधातु हो जाए क्रिया हो जाए वो खुद प्रसन्न आत्मेंद्रिय हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे स्वस्थ स्वस्थ विधि पेशन खुश तुम खुश सुश्रुत खुश और क्या चाहिए आपको वो मारवाड़ी का बच्चा बोला नहीं मेरे को दिखता नहीं है मेरे को चश्मे निकाल के दो तो वो पकड़ के टेरेस पर ले गया देख ऊपर क्या है तो चांद वो तो उससे आगे का क्या देखना है तेरे को यही मैं कहना चाहता हूं धातु सामने हो जाए उससे आगे क्या करोगे तुम समधातु मल मलक्रिय हो गया और क्या करोगे और कर भी कह सकते हो कोई भी मैं तो ठीक है तुम तो ठीक हो दुनिया में कोई भी आदमी उससे ज्यादा क्या कर सकता है आप बोलोगे फिर वो व्याधि की संप्राप्ति का वो दोष दुष्य समोचना का उसका भी तो विघटन करना अरे नहीं बार बार धातु सामने करते रहो समझे कि नहीं किसी आदमी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो तो वो फूलता फालता है इंपॉर्टेंस न दो उसकी और रखो तो वो अपने आप बिखर जाता है सही तो बोलती है त्यागा विषम हेतु समा नाम समानाम चाप सेवनाथ विषमानुबं स्वभाव परम सदा वो अपने आप गिर जाता है लूज हो जाता है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता पर जिसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती वो अपने आप खो जाता है बिखर जाता है स्वभाव परम सदा सही तो बोलती है समझे कि नहीं इतना सिंपल है और सिंपल समझाऊं मैं बार बार बोलता हूँ ये मेरा बड़ा प्यारा है मुझे मिर्ची के पकोड़े बड़े अच्छे लगते हैं मिर्ची के पकोड़े खाए हैं ना हा लेकिन साले दो बार तीखे लगते हैं <laughs> एक बार लगे तब तक तो ठीक है दूसरी बार बहुत महंगा पड़ता है तो अपन क्या करते हैं मेरे घर में मिर्ची लेते हैं उसमें डिप करते हैं फ्राई करते हैं निकाल के ऊपर ऊपर की पपड़ी खा जाते हैं वो उसमें हल्का हल्का तीखापन होता है उसकी फ्लेवर आती है बड़ा मजा आता है फिर उसी मिर्ची को दोबारा डुबोते हैं दोबारा तलते हैं फिर ऊपर ऊपर से खा दे दो तीन बार ऐसा करो ना तो फिर वो खीरा ककड़ी हो जाता है फिर उसमें कोई तीखापन नहीं रहता तो चौथी बार पूरा खा जाते हैं इसी तरह से बार बार धातु सामने करते रहो ना तो धातु ऐसेम्य जिसका वो बड़ा बड़ा नाम ए बी सी डी सब पीसीओड़ी वो एच डी एन टी एच टी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं वो अपने आप कीरा ककड़ी हो जाते और हमको मिर्ची के पकोड़े खाने मिलते हैं बोलो किसको पसंद करोगे मिर्ची के पकोड़े खाने को या फिर डिजीज ठीक करने को दिस इज वो बकवास चीज है समझ लो धातु तो साम्यम विकार नाम अकुशल यार वो डिजीज तो तुम्हारा जो भी हो तुमको ठीक करता हूं मैं फाइल खोलने का ही नहीं फाइल खोली तो दूसरी बार आपको परेशान करेगा सर ये हीमोग्लोबिन बढ़ गया कम हो गया डब्ल्यू बढ़ गया अब बताओ डब्ल्यू बढ़ गया आप क्या करोगे संहिता में से कहीं पर लिखा है गुरुची डब्ल्यू बी सी वर्धना नाम लिखा है कहीं अब डब्ल्यू तो ठीक है हमको पता है वो व्हाइट ब्लड सेल है लेकिन वही मैं बोला ये टकायासु सिंड्रोम है अब उसको क्या निकालोगे उसका कौन सा अग्रह निकालोगे सूत्र 25 में से है ही नहीं हमारे पास उसका कोई थिंकिंग ही नहीं है आपने हावरिन की सब्जी खाई है जो इसने खाई हो वो हाथ ऊपर करे हावरिन कोई तो होगा किसी ने नहीं खाई कैसे खाई होगी है ही नहीं उसी तरह से पीसी होड़ी हमारे लिए क्या है हावरिन देखो अपना दोस्त है हावरिन की सब्जी खाओ और मोया मोया ट्यूमर को ठीक करो बात एक ही है क्या बेकार का सोच रहे हैं? और भुगत भी रहे हैं। अंग्रेज हमको डांट दे जाते हैं आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है आपका डेड साइंस है आपका वो है आपका वो है फला फला ढिका ढिमका कितना सुना जाते हैं और हम सुनते हैं उल्लू के पट्टे नहीं सुनना है अभी मैं उपेंद्र जी कल आपसे बात की उनसे बात कर रहा था मेरे यहां मेरे एक डॉक्टर हैं दोस्त वो बोलते हैं सरव्रोस्कुलर एक्सीडेंट्स में आप क्या करेंगे मैं बोला वही करेंगे जो अतत्व विनिवेश में आप करेंगे <laughs> वो बोला अतत्व विनिवेश क्या होता है मैं बोला एक्सीडेंट क्या होता है <laughs> ये चाहिए ठीक तो अतत्व विनिवेश भी, भी नहीं होगा ठीक तो सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट भी नहीं होगा ठीक तो सिर्फ पेशेंट होता है और आपका अपनी जेब ठीक होती है। बोलते ना पुरुषम पुरुषम वीक्ष पुरुषम पुरुषम नहीं, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है परसम है, परस ट्रीटमेंट करनी होती समझे कि नहीं हाँ, चतुष्पाद में भी द्रव्य है विषक द्रव्य में द्रव्य का मतलब क्या है औषध नहीं बड़े आए औषध वाले द्रव्य तुम्हें व माता च पिता वो तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें वो तुम्हें व्या औषध है क्या चार चतुष्पाद 2022 में है विषद पैसा पेशेंट और उपस्थापन पैसे का ही सब गुण लिखे हैं बहुता बहुत सारा पैसा होना चाहिए सही बोलती मैं नहीं बोलता यार अपने खिस्से में से नहीं निकाला योग्यता एक नंबर का होना चाहिए अनेक विधक कल्पना कैश लो चेक दो जीपे करो पेटीएम करो अनेक विधिकल्पना संपत चेती संपत्तिवान होना चाहिए आज से द्रव्य का मतलब दोबारा द्रव्य का मतलब जोर से द्रव्य का मतलब वाह मेरे यार मेरे शेर पैसा हो ना सब कुछ होता है संहिता को फॉलो करने वाले कुछ लोग बोलते हैं कि आप ये पांशु राशि को ये धूल है पैसा तो हाथ का मैल मैं बोला भाई पहले मैं मैल चाहता हूं फिर उसमें से सुवर्ण की खरीदी मैं खुद करूंगा लेकिन मुझे पैसा चाहिए और हम गुजराती लोग हैं हमको पैसे के बिना नहीं चलता दया करुणा माया उसका आचार नहीं डलते अचार के लिए तो आम चाहिए उसके लिए पैसा चाहिए तो इस तरह से विकार नाम अकुशल होना है और पेशेंट को आत्मेंद्रिय करना है वो होता है बड़ी ताजुब की बात है आयुर्वेद की कोई भी दवाई दो कुछ भी आपको दिमाग में आए वो सोच के दो तो धातु सामने वो लोगों ने प्रतिज्ञा की है कि आप कुछ भी करोगे धातु साम्य मैं करके दे दूंगा चरक बोलता है तंत्र प्रयोजन मींस मेरे तंत्र का चरक संहिता का प्रयोजन है धातु साम्य किसकी चौपड़ी की मीन्स बुक की संहिता का संहिता धातु का साम्य करो जो उसका उपयोग करता है उसका धातु साम्य होगा उसके पास जो आदमी आया है उसका धातु साम्य होगा उसकी बीवी का उसके बेटे का उसके बेटे के बेटे के बेटे का ये चौथा बैठा उसका धातु साम्य होगा उसने कहा ही नहीं कि मैं किसी डिजीज को ठीक करने वाला हूं दिस इज नॉट टॉल अ टेक्स बुक ऑफ मेडिसिन दिस इज नॉट टॉल अ ट्रेटीज ऑन फार्मेकोडाइनेमिक्स This is not the textbook of research methodology. This is simply a lover of you. इसलिए तो कहता है हृदय इसको हृदय से लगाओ दिल में उतारो तब जाके कुछ काम बनेगा बाकी चिकित्सा ढूंढते रह जाओगे नहीं मिलेगा धातु साम्य को पकड़ो वैषम्य को भूलो निदान बड़े बड़े निदान करना छोड़ो बड़ी बड़ी चिकित्साएं सोचना छोड़ो हल्का फुल्का वात है पित्त है कफ है बहुत शौक होता हो तो बोलो उदावर्त है या अग्निमान है कोई भी सोकॉल्ड so डिजीज जिसको हम बोलते हैं उसमें या तो उदावर्त होता है या अग्निमान होता है उदावर्त है तो अनुलोमन करना है अग्निमान है तो दीपन पाचन करना है उदावर्त है तो संतर्पण करना है अग्निमानदे है तो अपतर्पण करना है उदावर्त है तो ब्राह्मण करना है अग्निमान है तो लंघन करना है कितनी सिंपल चीजें हैं और वर्धने ने एक दोष से क्षपणे नितर से अरे भाई क्या क्यों इतनी परेशानी वो उस जमाने की टेक्निक थी वो प्रेजेंटेशन का वे आजकल कैसे प्रेजेंट करते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीपीपी पी। उस जमाने में ये था जो चीजें जितनी ट्विस्ट हो सके उतनी ट्विस्ट करके लिखो तो आप एक्सपर्ट माने जाओगे बाकी चीजें बड़ी सिंपल है वाक पित्त कफ, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र अग्नि ओज, सत्व और कितने ठीक करोगे इतनी तेर तेर अग्नि ठीक कर दी पांच पांच भूत ठीक कर दे तीन तीन दोष ठीक कर दे सात सात धातु ठीक कर दी और क्या कितना ठीक करोगे और अगर डिजीज ठीक है तो वो ये सब तो धरे के धरे पड़े रहेंगे ब्लड शुगर कंट्रोल में लाए लेकिन पेशेंट बोलेगा साहब मेरे को भूख नहीं लग रही मेरी टट्टी साफ नहीं हो रही है मेरे को नींद नहीं आ रही तो वो तुम्हें कहीं रहा दोष दातुमल। तुम शुगर कंट्रोल करके क्या करोगे जो करना है वो ये है शुदा, निद्रा मुप्र, मप्र, ये लिखते हैं ना आप सब लोग शुदा निद्रा मुप्र एस नॉर्मल बॉल एपेटाइट मिच्युरेशन स्लीप वो नॉर्मल लिखते तो वही है वही करना है क्षुधा मीन्स अग्नि निद्रा मीन्स सत्व मूत्र मीन्स धातु पुरुष मींस मल वही तो हम करते हैं इसलिए लिखते हैं आज से ऐसे ही लिख के मत आ जाना रिस्ट नॉर्मल ऐसा लिखना लेकिन बी एम एस का ठीक ठीक लिखना अगर पेशेंट बोले हां भूख ठीक लगती इसका मतलब जठराग्नि ठीक है तो समाग्नि हो गया निद्रा ठीक है मीन्स सत्व को ठीक है मेंटल स्टेटस ठीक है पेशाब ठीक से आ रहा है मीन्स क्लेद का वहन ठीक हो रहा है मूत्र से क्लेद वाहन और क्लेद क्या करता है पूरे शरीर को क्लीन न करता है मीन्स क्लीन करने के लिए हर एक सेल तक पहुंचना पड़ता है हर एक सेल तक पहुंच के उसको क्लीन न करता है और उसकी कोई कंप्लेन नहीं है इसका मतलब कि धातु सब ठीक है धातुवाग्नि ठीक है सम धातु है मलब प्रवृत्ति प्रॉपर्टी ठीक से होती है इसका मतलब वापसी सब ठीक है सब धातुवाग्नि व्यापार हो गया जो कचरे थे वो सब वापस आ गए और पुरुष बस होता से आउट हो रहे तो सम धातु मलक क्रिया चार चीजें पकड़ के रखी हैं लेकिन हम उस पर तवज्जो नहीं देते क्योंकि उधर अंग्रेजों के यहां बहुत सारी चीजें देखते हैं वो लोग और वो तो अभी कहा देखते हैं वो जो देखते हैं वो तो पैथोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट देखते भाई साहब कहा कोई निदान करते हैं सीबीसी एक्सरे यूरिन रूटीन माइक्रो हिमाटोलॉजिकल सीरोलॉजिकल और एम आर आई करके आओ तो फिर मैं निदान करू होए उसमें कौन सा निदान किया आपने हमारे गुजराती में एक कहावत है चार जना जाले तार तो जनास जो महिला अपाइज होती है वो चार लोग पकड़ते तभी तो वो जाके वो बुहारी लगाती है आंगन साफ करती है उसी तरह से पैथोलॉजिस्ट सपोर्ट करे रेडियोलॉजिस्ट सपोर्ट करे सीरोलॉजिस्ट सपोर्ट करे तब जाके तो भाई साहब निदान करते हैं, हाँ आपको लंग डिजीज़ है तो क्या उसमें कह वो चार लोगों ने पकड़ा तब जाके तो वो निदान किया इधर सिर्फ एक हाथ पकड़ने से बोल देते हैं वायु और पित्त है आप नाड़ी पर हाथ के बोलते हो वायु है और वो बोलता है हाँ साहब उन्होंने तीन सौ अरे पंद्रह रुपया खर्च करके वही बोला था कि आपको गैस है और कुछ नहीं है और आपने तो उंगली रख के बोल दिया इतना भरोसा पात्र इतना सॉलिड इतना सही इतना पेशेंट फ्रेंडली जब आप वायु है आंगली लगा के बोलते हैं तो पेशेंट को भी लगता है कि हाँ मुझे वायु है संहिता को भी लगता है हा मुझे वायु उसको वायु है तो संहिता पेशेंट और वैद्य तीनों एक बात पर सहमत हो जाते हैं कि वायु है हालांकि संहिता का वायु संहिता का वायु होता है पेशेंट का वायु पेशेंट का वायु होता है और आपका वायु आपका वायु होता है तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना तो तुंडे तुंडे, तुंडे दोष भिन्ना यह भी उतना ही सही है लेकिन फिर भी तीनों लोग एक बात पर मान जाते हैं तो सर्किट कंप्लीट होके वैध संहिता से जुड़ जाता है लॉक हो जाता है और संहिता से जुड़ने एक बार जुड़ गए फिर किसी की हिम्मत है आपको असफल होने दे अभी तक किसी की नहीं हुई असफलता संहिता से जुड़े हम यार एक सुदामा छोटी सी पोटली वाले और ये कृष्ण मखनाया अपन एक मुट्ठी के एक मुट्ठी चावल देंगे वो भी एक मुट्ठी देगा लेकिन उसकी मुट्ठी अपने को इधर से उधर कर देगी एक मुट्ठी चावल का सवाल है ये संहिता के लिए उतना भी नहीं कर सकते अपन इतने गए गुजरे हैं क्या नहीं यार आप में से किसी का चेहरा मेरे को ऐसा तो नहीं लगता आप सब लोग बहुत सॉलिड हो अमृत से वही पुत्र सब लोग अमृत के पुत्र हो वो आपका अंदर का अमृतत्व हाई बहुत हैवी हो गया अपने आप को खोलो संहिता के साथ जुड़ जाओ अपने आप को खोल के जन्नत दिखाती जब भी आती है जन्नत दिखाती है इसलिए भाई क्या टाइम हुआ बारह बज गए आप लोग भी कमल हान हाँ, ना ही नहीं बोलते मेरे कहने का मतलब है कि विकार नाम अकुशल हो जाओ और उसी को अपना ताकत बनाओ ये एक बिल्कुल नया ट्रेंड है ये ना एलोपैथी में है ना आयुर्वेद में है ये पहली बार मैं आप सब लोगों के सामने डिस्क्लोज कर रहा हूं This is for the first time it is introduced to an August audience, a neo antic diagnostic tool, so-called diagnostic tool। भातु तो साम्य विकार नाम अकुशलो नजिरियात कथनचना नहीं सर्वे विकार नाम नाम तो स्थिति द्रुवा स्थिति ही ये सुई झटके सहिता ने बताया है। आप सब लोगों को आज से धातु साम्य पर कंसंट्रेट करना है विकार पर नहीं भले ही पूरी दुनिया विकार पर जान छिड़कती हो हम आज से धातु साम्य पर कंसंट्रेट करेंगे आज से हम संहिता पर कंसंट्रेट करेंगे आज से हम स्मार्क वर्क करेंगे स्मार्ट वर्क करेंगे आज से हम गणपति बनेंगे आज के बाद सिद्धि सिद्धि लाभ शुभ हमारे मेरे और आपके होंगे ये सब प्रतिज्ञाएं दृढ़ता से इस संहिता की साक्षी में आप सब लोग अगर सहमत हो तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग हाथ उठा के इस बात को सही फरमाएं मैं तो दोनों हाथ ऊपर करूंगा मेरे को तो यही सही लगता है और यही एकमात्र सत्य है सनातन सत्य है आप सब लोगों ने मेरी इस बात को थैंक यू सुना और मुझे समझने की कोशिश की मेरी सहेली को समझने की कोशिश की पहली बार शायद कोई डायस पर अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आया होगा वो आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं मेरे बहुत अच्छे मित्र विलास नानल वो भ्रमलीन हो गए उनकी स्मृति को आज आप सब लोगों के साम सामने प्रस्तुत करता हूं ये वही मेरे मित्र है जिन्होंने सबसे पहली बार मुझे गुजरात के बाहर एक्सपोजर दिया था पर्सनालिटी बृहतई रत्न वैद्य विलास नानल उनके बेटे और उनकी बहू बेटे की वो सब लोग बहुत ही प्यारे बहुत ही शानदार और बहुत ही अजीज मेरे दिल के करीब हैं उन सभी को मैं साधुवाद देता हूं आप सब लोगों को एक एक्सरसाइज के लिए बोलता हूँ आप सब अपना एक हाथ ऊपर करिए पीछे ले जाइए ये सब करिए आप भी शाबाशी के पात्र है इसलिए आप सबको भी मेरा प्रणाम नमस्कार मेरी संहिता की ओर से आप सबको प्यार भरी चुम्मी जय हो